इसी ईद पर हम फिल्म्स के बैनर्स तले बनने वाली फिल्म दगाबाज दिल बड़े पर्दे पर रौनक जमा रही है। कराची के मकामी सिनेमा में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर मुनाकिद किया गया। फिल्म की कास्ट ने फिल्म देखने की दावत दी। शोबिज़ सितारों ने इस ईद गाजा के मुसलमानों को याद रखने का पैगाम भी दिया। सिप्ते हसन की रिपोर्ट। शादी और मेरी और मुझे ही नहीं पता यार, मैंने शादी नहीं करनी। तो हाँ क्यों की? दादू को मना नहीं कर सकते। रोमांस, कॉमेडी और इमोशन से भरपूर फिल्म दगाबाज दिल सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। कराची में फिल्म का प्रीमियर मुनक्किद हुआ। रेड कारपेट पर फिल्म की कास्ट समेत शोबिज सितारों ने जलवे बिखेरे। कहा, फिल्म जरूर देखने आए, पैसे वसूल हो जाएंगे। बस ये कहना है कि दगाबाज दिल रिलीज हो चुकी है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का तोहफा है हमारा दगाबाज दिल, सिनेमा घरों में जाकर जरूर देखें, फुल एंजॉय करें, पैसा वसूल, दो घंटे की एंटरटेनमेंट, डोंट मिस इट। बिल्कुल यकीन है कि लोग घरों से निकलेंगे और घरों से निकले, ईद का दिन है, घरों से कैसे नहीं निकल सकते। और तफरीह करने के लिए जब निकलेंगे तो वो ऑफकोर्स सिनेमा घर भी जाएंगे, हमारी फिल्म भी देखेंगे और वर्ड माउथ से अपने दोस्तों को भी बताएंगे, अपनी फैमिली को भी बताएंगे। ये प्लस पॉइंट है कि ईद की एक फिल्म है तो फिल्म को चलना चाहिए और लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए। एंटरटेनिंग फिल्म है और इंशाल्लाह लोग एंजॉय करेंगे। अच्छी फिल्म है और हमें सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानी सिनेमा को। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म की रिलीज को लेकर पुरजोश दिखाई दी। नन्हे अदाकारों ने भी शायकीन को फिल्म देखने की दावत दी। मेरा रोल सोनी है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि घर में क्या चल रहा है, तो वो क्वेश्चंस पूछती रहती है बार बार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वजाहत अंकल भी बहुत अच्छे थे। अच्छा लगा कि करने में, और बस व्यूअर्स का भी सपोर्ट चाहिए कि ये लोग हमें दगाबाज दिल के अंदर थोड़ा दें। मैं सोना हूँ, मतलब कि बहुत शार्प बच्चा जो हर बात में इंटरफेयर करता है। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, बिकॉज मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है ऑन द बिग स्क्रीन। सो या गुड लक टू द टीम एंड गुड लक टू मी। हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, हमारे फ़लस्तीनी भाई, तो उनके लिए दुआ को होना चाहिए। ये तो लगा ही नहीं, स्पेशली जब हम वो ठुमका वाला सॉन्ग शूट कर रहे थे तो मैंने जाते जाते उनको कमेंट भी किया था कि हमें लगा ही नहीं कि हमने काम किया, हम तो बस यहाँ पे मस्ती करने आए थे, मस्ती करके जा रहे हैं। फिल्म की कास्ट को सपोर्ट करने आए फनकारों ने शायकीन को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखने का पैगाम दिया। यार ईद के मौके पे बस थोड़ा काम डाउन रहें, इन्जॉय करें, खुद भी दूसरों को भी करने दें और फ़लस्तीन को याद रखें बस। ईद मनाएं और ज़ाहिर ख़ुशी का त्यौहार है, रोज़े रखने के बाद ये बहुत एक तोहफ़ा है हमारे लिए, लेकिन गज़ा के लोगों को मत भूलिएगा जिनके ऊपर इस वक्त बड़ी आफत है, मुश्किल में हैं। ज़रूर देखिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, हमसायों के साथ, और कोशिश करें जिनके साथ दुश्मनी है उनसे भी सुलह कर लें, उन्हें भी ले आएँ। हम टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सलीम मामू के लिए हम आएँ, वजाहत के लिए हम आएँ, महविश के लिए हम आएँ, एंड एवरी वन, वी आर ऑल फैमिली, सो इट्स सच अ गुड मोमेंट टू शेयर दिस ईद विद अ फिल्म। हम फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली ड्रामा कॉमेडी फिल्म में वेडिंग सॉन्ग का तड़का भी मौजूद है। वो गोरी तेरा झुमका लगाते जरा ठुमका है साले, माना तेरी हर एक अदा। स्टार कास्ट बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कामयाबी के लिए पुर उम्मीद है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ सिप्ते हसन, हम न्यूज कराची।